किरा तोरियामा सेंसेई का लिखा हुआ लास्ट डीबीएस चैप्टर है 103 और स्टोरी वही से शुरू होता है जहां पर लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था, यानी कि बीस्ट गोहान वर्सेस गोकू का फाइट चल रहा होता है। उसी दौरान गोहान गोकू के ऊपर इतनी जोर से एक किक करता है कि गोकू सीधा जाके एक पत्थर से टकरा के उस पत्थर को तोड़ते हुए ग्राउंड पर लैंड करता है। गोहान का वो किक इतना पावरफुल था जिसकी वजह से गोकू भी सांस छोड़ता है और फाइनली गोहान को एक्नॉलेज करता है। वो गोहान से कहता है, तुम्हारा पोटेंशियल सच में कमाल का है गोहान, और तुम फाइट में भी काफी अच्छे बन गए हो। तुम बदल गए हो और इस बार तुमने ट्रेनिंग करके ये फॉर्म हासिल किया है। जिसकी रिप्लाई में गोहान बोलता है, ये सब ही पॉसिबल हुआ है पिकोलो की वजह से। गोकू जवाब देता है, तो ये बात है, लेकिन मैंने जितना ट्रेनिंग किया है मैं भी बैठे रहने वालों में से नहीं हूँ। उसके बाद गोकू अपना आंखें बंद कर लेता है और हवा में ऊपर उठ जाता है। गोहान का फुल कॉन्सेंट्रेशन गोकू पर होता है, लेकिन तभी गोकू अपनी आंखें खोलता है और गोहान के कुछ समझने से पहले ही गोहान के पीछे बहुत ही तेजी से जाके सीधा गोहान के कमर पर एक किक करता है। वो किक इतना फास्ट था कि गोहान चौंक जाता है और उस किक की वजह से गोहान जब दूसरी तरफ जाके गिरने वाला होता है और उसी मोमेंट पर गोहान के नीचे गिरने से पहले ही गोकू फिर से जाके सीधा गोहान के सर पर अपने हाथों के मुट्ठी से एक पंच करता है, जिसकी वजह से गोहान सीधा पानी में जाके गिरता है। हवा पर गोकू वेट कर रहा है कि कब गोहान पानी से बाहर आएगा, और तभी गोहान पानी से बाहर आके पीछे से गोकू पर किक करने वाला होता है, लेकिन गोकू का बॉडी ऑटोमेटिकली उस किक को डॉच कर लेता है और उसके बाद गोहान डेस्परेटली काफी बार गोकू पर किक पंचेस करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू सारे अटैक्स को इजीली डॉच कर लेता है। पास ही में वेजिटा, लॉर्ड बीडस और बाकी लोग ये मैच देख रहे होते हैं। गोहान के सारे अटैक्स डॉच करते हुए देखने पर वेजिटा बोलता है, ये बास्टर्ड कैकरोट, उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से ही ये मैच उसके लिए आसान हो रहा है। फिर वेजिटा बोलता है, तो ये सच ही है, इन दोनों में अभी भी एक्सपीरियंस का काफी गैप है। अब गोहान की इतनी कोशिश करने के बाद भी वो गोकू पर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन गोकू तो गोहान को एक किक करके दूर हटा देता है। अब गोहान एक ट्री ट्रंक के ऊपर जाके थोड़ा सांस लेता है। वो समझ जाता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या चीज है। अब गोकू बोलता है, जब मैं मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होता हूँ तब मेरा बॉडी ऑटोमेटिकली मूव करता है, इसलिए कोई अटैक्स मुझ पर लैंड नहीं होता है। गोहान कहता है, वाकई में ये एक अमेजिंग टेक्निक है, जैसा मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मेरा बीस्ट कुछ हटके है। और गोहान अपने की एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। ये सब देखकर ब्रॉली कहता है, गोहान काफी सारा एनर्जी जमा कर रहा है। वेजिटा अपने मन में सोचता है, इतना सारा की एनर्जी, क्या तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे गोहान? आखिर में गोहान अपना की एनर्जी चार्ज करना स्टॉप करता है और इतनी तेजी से मूव करता है कि जिस ट्री ट्रंक के ऊपर वो खड़ा था वो आधा तबाह हो जाता है और उसी खतरनाक स्पीड से वो गोकू की तरफ जाता है। उस स्पीड को देखकर गोकू और वेजिटा दोनों ही चौंक जाते हैं। गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में भी गोहान को बस बेयरली डॉच कर पाता है और गोहान अब फिर से गोकू पर कॉन्टिन्यूसली किक्स और पंचेस करने लगता है, लेकिन इस बार गोकू को इन पंचेस और किक्स को डॉच करने में काफी मुश्किल हो रहा है। और फाइनली गोहान बहुत ही तेजी से सीधा गोकू के पेट पर एक खतरनाक मुक्का मार पाता है और उस मुक्के के बाद एक किक से गोकू को सीधा आसमान में भेज देता है और गोकू को अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में से बेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म बैक होने पर मजबूर कर देता है। वेजिटा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि गोहान ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे इवेसिव टेक्निक के स्पीड को भी डिफीट कर दिया है। ग्राउंड पर गोहान कॉन्फिडेंटली ये कहता है, देख लिया क्या बोला था मैंने, ये है बीस्ट का पावर। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। चैप्टर 103 का बाकी पार्ट मैं बाद में अपलोड करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।